नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल। इतनी पुरानी फाइल नहीं है, ये है। लो मिल गई। अरे इतना संभाल संभाल के इन फाइल्स को रखता हूँ, लेकिन मजाल है कोई इनकी धूल भी झाड़ दे, कूड़ा समझ के फेंका गया है। आखिर इतने वर्षों बाद काम आई गई ना। सॉरी, वेरी सॉरी। ये 1973 की फाइल है ना? जी नहीं, 74 की फाइल है ये। देखिए, मैं सरकारी डॉक्टर हुआ करता था, समझे आप। अपनी फाइलें रिकॉर्ड्स वगैरह बड़े सलीके से रखने की मुझे आदत थी। लोग मुझे इस बात के लिए बड़ा पसंद किया करते थे, समझे आप। जब रिटायर हुआ तो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की नौकरी मिल गई, मैंने कबूल कर ली। देखिए, बुढ़ापे में आदमी जब निकम्मा होकर घर में बैठ जाए तो सचमुच बूढ़ा हो जाता है। अरे आप देखिए तो सही, इसमें जुड़वा बच्चों का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं? जरा तसल्ली से काम लो शहजादे, आखिर दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, और फिर तुम्हें तो महीने का पता नहीं। मुझे तो एक एक कागज देखना पड़ेगा, समझा साहब। थोड़ा जल्दी देखिए ना। देखिए, मुझसे इससे ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता। आप तो घोड़े पर सवार होकर आए हैं भाई, 24 वर्ष पुराना रिकॉर्ड आखिर 20 मिनट में कैसे मिल जाएगा? जरा दिमाग से काम लीजिए। अरे नहीं नहीं, इसका कहना था कहीं हम आपकी मदद कर सकते हैं। जी नहीं, मेरे होते हुए इन कागजात को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, समझे आप। डॉक्टर साहब, आपके पास सिर्फ जुड़वा बच्चों की कोई अलग सी फाइल नहीं है? अरे साहब, कौन बनाएगा, यहाँ सब मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हैं, मुफ्त। और ये लीजिए साहब, जुड़वा बच्चों का एक रिकॉर्ड है, तो 3 अक्टूबर को पैदा हुए थे। नहीं 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 नहीं, ये जुड़वा बच्चे तुम दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो यूं नहीं हो सकते कि जुड़वा बच्चे पैदा तो हुए थे लेकिन मरे हुए पैदा हुए थे। आपको यकीन है? अरे मैं कोई कंपाउंडर से डॉक्टर नहीं बना हूं, समझे। मुझे पढ़ना आता है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, और रिकॉर्ड मेरे सामने। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, देखिए ना। अरे भाई, मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी को तुम्हें सुना नहीं रहा हूं, जो इसमें लिखा है वही बता रहा हूं। रिकॉर्ड में और क्या क्या लिखा है? जो जुड़े मरे हुए पैदा हुए थे उनके माँ बाप का नाम तो लिखा होगा ना? हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन कागज फटा हुआ यहाँ से। हाँ भाई है तो, माँ का नाम है गायत्री देवी। गायत्री देवी? गायत्री देवी। हाँ, और पति का नाम था स्वर्गीय श्री शेखर कुमार, और पिता का नाम स्वर्गीय श्री देव पुरोहित। देव पुरोहित जी तो अपने पहले चीफ मिनिस्टर थे, और हमारी मौजूदा चीफ मिनिस्टर उनकी बेटी हैं, गायत्री देवी। गायत्री देवी हमारी चीफ मिनिस्टर? हाँ। लेकिन उनकी शादी कब हुई? लेकिन रिकॉर्ड तो उन्हीं के जुड़वा बच्चों का है, तारीख विधि हुई है 3 अक्टूबर सन 1974। अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो इसी स्थान में देव पुरोहित जी के हादसे में मौत हुई थी। यस, आई बात समझ में? क्या? अगर हम हैं तो इसी गायत्री देवी की औलाद है, मुख्यमंत्री गायत्री देवी और उसके बेटे सूरज और सनी। पिता स्वर्गवासी, पति स्वर्गवासी, बच्चे अनाथ। वाह, क्या कीमत चुकाई है चीफ मिनिस्टर बनने की। अब सारा खेल समझ में आ गया। क्या समझ में आया तेरे? कैसा किस्सा? किस्सा एक खुदगर्ज औरत का, जिसका नाम है गायत्री देवी। भाई तू अनाप शनाप बात मत कर। अनाप शनाप? एक औरत ने अपने ख्वाहिश के जुनून में पहले अपने पिता, फिर अपने पति को स्वर्गवासी बना दिया, फिर अपने बच्चों को सड़क पर पटक दिया ताकि कोई रिश्ता उसकी और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में ना आए। बकवास मत कर भाई, बकवास मत कर। सच्चाई जाने बिना, उसकी मजबूरी जाने बिना तू हमारी माँ के बारे में गलत बात मत कर। हमारी माँ? हमारी माँ, हमारी माँ। तुझे अपनी माँ से मिलने की बहुत ख्वाहिश है ना, फिर जा मिल अपनी माँ से। मिलूंगा। हाँ, लग जा उसकी सीने से। सूरज,
वो स्टेट की मुख्यमंत्री है, वो तुझसे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, आखिर हम उसके औलाद हैं। मैं नहीं। जाना अपना घिनौना चेहरा इन तस्वीरों में मिस्टर सुदर्शन से ना। पिछले 20 साल से हमें शक था कि कोई हमारे नाम और पार्टी के रुतबे का फायदा उठाकर अपराध जगत पर मेहरबानियां कर रहा है। हमें जिन जिन पे शक था और जिन पे ज्यादा इतबार, जैसे कि आप, सबकी छानबीन शुरू करवा दी थी और नतीजा ये तस्वीरें। तस्वीर खींचने का शौक बहुत ही दिलचस्प शौक है गायत्री देवी, मगर हर काली सफेद तस्वीर में रंगीन पहलुओं पर खास गौर करना चाहिए। तस्वीरें बड़ी ध्यान से देखी गई हैं। अब आपके बदरंग पहलू पर गौर करना है सिन्हा साहब। जिस तसल्ली से आप जब्बार जैसे बदनाम अपराधियों की महफिल की शोभा बने हुए हैं, आपकी असलियत सामने आ रही है। सियासत के मामलों में अपराध जगत की अपनी अहमियत होती है। जब्बार त्यागी से मेरे ताल्लुकात का आपको कितना फायदा हुआ है जानती है ना? गायत्री देवी, जब्बार त्यागी जैसे घटिया मुजरिमों की मोहताज नहीं। गायत्री देवी की पार्टी की बुनियाद है ईमानदारी। गायत्री देवी की पार्टी की कसौटी है लोगों की आस्थाएं, आशाएं। मैंने अपनी कुर्सी को माँ की गोद बना लिया है, जहाँ मासूमियत के साथ छल कपट नहीं होते। लेकिन आपने मिस्टर सुदर्शन सिन्हा माँ के दूध में मिलावट करके उसका व्यापार किया है। ये ममतावादी माइक पर किसी भाषण में झाड़िएगा गायत्री देवी, बहुत तालियां पड़ेंगी। वो जब्बार त्यागी है जिसकी बदौलत आप पिछले 20 साल से स्टेट की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान रही हैं मुख्यमंत्री साहेबा। तो ठीक है, जब्बार त्यागी का किस्सा ही खत्म किया जाए। आपको पार्टी से बेदखल करके फिर चुनाव लड़कर देखा जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? हिम्मत? अरे सिर्फ हिम्मत ही तो है हमारे पास, सिर्फ हिम्मत। और जब्बार सिर्फ हिम्मत की ही खाता है। चीफ मिनिस्टर लोगों के वोटों की बदौलत बनी, लेकिन मैं अपनी दुनिया का चीफ अपनी हिम्मत के दम पर बना हूं। आप शेरनी शरीफ शहरों की, लेकिन मैं जुर्म के जंगल का शेर हूं। लिहाजा गायत्री देवी, आप और हम मोहब्बत से रहें तो अमन और शांति रहेगी, वरना अगर कहीं जंगल चलकर शहर में आ गया तो बबाल हो जाएगा। जंगल के जानवरों की कहानी मत सुनाओ जब्बार, जो कहना है साफ साफ कहो। सुदर्शन सिन्हा मेरा खास आदमी है, जो कि आपकी पार्टी का कई सालों से पालतू बना हुआ है, तो इस हुकूमत में उसको अपनी मनमर्जी करने दीजिए। आपकी जो चीफ मिनिस्टर है वो बाकी सब पर आजमाइए, सुदर्शन पर नहीं। उसके और मेरे ताल्लुकात आपके किस काम आते हैं उन फायदों पर गौर कीजिए। गौर किया जब्बार, गौर किया। तुम्हारे और सुदर्शन सिन्हा के ताल्लुकात अब तक तो उतने साफ नहीं थे, पर अब बहुत सीधा ताल्लुक हो गया है। अब इसे मैं अपना सबसे खास काम बना लूंगी। ये हुई ना बात, बिल्कुल पते की बात की आपने गायत्री देवी। साथ मिलकर चलेंगे तो आप अपने तख्त पर तख्त रहेंगी और हम अपने सिंहासन पर विराजमान। तो लगे हाथ उन रास्तों का नक्शा भी बना दिया जाए जिन रास्तों पर हम साथ मिलकर चलने वाले हैं। साथ कैसे चल पाएंगे जब्बार, जब तुम और सुदर्शन सिन्हा कुछ ही दिनों में भूतकाल बन जाओगे? भूतकाल? मैं समझा नहीं। जब्बार, मैंने फैसला कर लिया है कि मंगलवार की पार्टी मीटिंग में सुदर्शन सिन्हा को पार्टी से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे जुर्म के जंगल पर रेगिस्तान का नक्शा खींच दिया जाएगा। अपनी कुंडली खराब मत करो गायत्री देवी।
मेरी हिम्मत का नमूना तुमने देख लिया है। अगर मैं घर घुसकर तुम्हें चेतावनी दे सकता हूं तो समझ लो और क्या क्या कर सकता हूं। एक बेर देना। तुझे क्या हुआ रे, तू रो क्यों रहा है? और तेरा भाई कहाँ गया? वो हरामी। हरामी नहीं बोलना मेरे भाई को, हरामी नहीं बोलना। वो मेरा प्यार था, वो मेरा प्यार था। उसके जाने के बाद तो मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। जाने के बाद किधर गया तेरा भाई? भगवान को प्यारा हो गया, उसे भगवान ने मुझसे छीन लिया। मुझे यतीम बना गया, मुझे हरामी को यतीम बना गया। मेरा भाई मुझे यतीम बना गया। ये रहा सीएम साहिबा का घर। हाँ लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते, देखा कितनी सिक्योरिटी है। पर मैं इन सिपाहियों से बात करने की कोशिश करूंगा, शायद वो मुझे अंदर जाने दे। इतना आसान नहीं है, अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश भी करोगे तो वो तुम्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश तो मैं जरूर करूंगा। कोशिश 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 गूंगे और बहरों का लफ्ज है। मुझे कोशिश नहीं, अपने भाई चाहिए। अगर गायत्री देवी नहीं मानती तो तुम उसे खत्म कर सकते हो। जब्बार, हमने तो सुना है कि तुम इस देश के सबसे बड़े खलनायक हो। अगर तुम चाहते तो तुम उस गायत्री देवी का कत्ल कर सकते थे। अरे जब तुमने उसके पति, उसके बाप, उसके बच्चों को नहीं छोड़ा तो फिर उसे क्यों छोड़ दिया? ये सब मंत्री का दिमाग है। मैंने इसे तब भी कहा था, तब भी मैंने इसे कहा था, लेकिन हर बात को अपनी राजनीति के दिमाग से सोचता है। ये मंत्री, ये उस वक्त मुझसे भी सीनियर नेता थे। अगर गायत्री देवी सीएम नहीं बनती तो उनकी जगह कोई और सीएम बन जाता। इसलिए मैंने उसे सीएम बनाकर ये सोचा कि मैं उसके बाप का खास आदमी बनकर उसके साए में रहकर बहुत कुछ कर सकता हूं। और मैंने बहुत कुछ किया, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा इस जब्बार को हुआ। पूछो इससे। नहीं हुआ, फायदा तो हुआ। मैं कब ना कर रहा हूं, फायदा तो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री देवी को खत्म करने में हम सबकी भलाई है। आपको आपके भाई साहब मिल जाएंगे, आपको आपकी कुर्सी मिल जाएगी, और मैं इस देश का बादशाह बन जाऊंगा। तुम बादशाह बनना और भले तुम नेता बनते रहना, पर मुझे मेरे भाई चाहिए। समझ लीजिए मिल गए। समझने में क्या है, समझ लीजिए मिल गए। आज हमारा खास आदमी वो ऊपर, तुम्हारे भाई बाहर। चलकर इन्फॉर्म करते हैं। चलो चलो।
अभी तो तुमने मेरी जान बचाई है रवि। तेरी जान नहीं, अपनी जान बचाई है मैंने। अब कान खोलकर सुन ले, अब तेरी जान पर मेरा भी हक है, समझे? अगर ये सब करना था तो आया क्यों मेरी जिंदगी में दोबारा लावारिस बनाने? भाई तुम हाथ मत लगाना, अपने पास रख अपना प्यार। साला जुबान से भाई भाई करता फिरता है और हरकतें गैरों से भी बदतर। अने ऐसा क्या किया भाई? साला वहां क्यों गया था यार? मां से मिलने भाई। मां से मिलने? वाह, अब वो सिर्फ तेरी मां हो गई, अकेले चला गया उससे मिलने? पहले तो बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था हमारी मां हमारी मां हमारी मां, और अब क्या वो सिर्फ तेरा दिल है जो मां से मिलने के लिए तड़प रहा है? हां बोला, यानी कि तू साला मां वाला हो गया और मैं बिन मां का। ऐसा क्यों कहता है भाई? हम दोनों की मां है, हमारी मां। देख भाई, तू एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो जब जिसका मन आया मुझे अनाथ बनाकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका। आइंदा तूने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना, ए भाई, तेरे दिल में तो मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार है रे। सनी, तुम अपने भाई से तो बीच सड़क में मिल सकते हो गले, और अपने होने वाली घरवाली से घर के अंदर भी गले नहीं मिल सकते। ठीक कह रही है, चलो अनु के गले लग जा। अरे तो फिर इमोशनल हो गई? अरे चुप, पहले वो तो बता जिसके लिए मैंने ढूंढ रहे थे। क्या 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 क्या? आई एम सो सॉरी सनी, सूरज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। भाई चल अंदर, इससे भी बेहतर तरीके हैं टाइम पास करने के लिए। सनी तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे लिए कोई जरूरी खबर नहीं ला सकती? ए, अंडर वंडर क्या? मालूम था नहीं समझोगे, अंडर एस्टिमेट कम मकल वाली समझ। देखो क्या खबर लाई हूँ मैं। समझे कुछ? नहीं पढ़ पाओगे ना, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। चीफ मिनिस्टर टू अटेंड डांस शो। जब्बार, कहीं तूने गायत्री देवी को किडनैप करवाने की जल्दबाजी तो नहीं की? ए, मैं पहले बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नाम नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या है? ए जॉनी, ए जॉनी, ए क्या हो रहा है? तेरे क्या लाने को बोला था मैं, क्या क्या लाने को बोला था इसको मैं? एक मंत्री, मेन मंत्री, मेन मंत्री को लाने को बोला था, साला संतरे को उठा के लेके आया और एक गन तान के क्यों खड़ा है? क्या हुआ क्या इसका? जब्बार भाई, यही वो दो आदमी है जिसने होटल सम्राट में हमारे गले पर डकैती किया था। अच्छा, वही लोग है? ये वही लोग है जिन्होंने जब्बार के गले में हार डालने की हिम्मत की। वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं तो तुम लोगों का चेहरा देखने के लिए कब से तरस रहा था, बहुत तरस रहा था मैं। मुझे लगता है ना, तुम लोगों को अवार्ड या ट्रॉफी देनी चाहिए। कसम से यार, कसम से, बहुत हिम्मत का काम किया तुमने, बहुत हिम्मत का काम किया तुमने। भाई जी, यही है वो उस रात जो सीएम के घर पे था, जिस वक्त अपना किलर वहां गया था। अरे इसका लाइफ तो सारा लंबा है यार। लंबा बोले तो रेल के लाइन का माफिक ऐसा लंबा बिछा हुआ है। तू वहां क्या कर रहा था बे? एक फुट की लोहे की नली और डेढ़ इंच की बारूद की गोली ऊंट के मुंह में चीरा लगता है। मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ तू उसकी चिंता कर जब्बार। ए, तेरे को एक मिनट में चीरा करने साला। जब्बार, तेरी ये पिस्तौल हमेशा चलने को उतावली क्यों रहती है? अरे तुरुप के दो दो पत्ते हमारे हाथ में है, तब भी तू बाजी हारने पर उतारू है? तेरी खोपड़ी में जो अकल है कभी उसका इस्तेमाल कर और सोच। और क्या सोच? अरे सोच सोच, इन दोनों टपुड़ियों का चीफ मिनिस्टर से क्या कनेक्शन है? सुदर्शन सेना के चेहरे पर से देशभक्ति का नकाब नोच कर आप सब पार्टी मेंबर्स के सामने उसका असली और घिनौना चेहरा सामने लाना ही
आज की इमरजेंसी पार्टी मीटिंग का मकसद है। जब्बार जैसे गैर कानूनी तत्वों के साथ वफादारी और पार्टी और मुल्क के साथ गद्दारी करने का सबूत इन तस्वीरों में छुपा है। इनके स्वर्गवासी पिता के समय से जो मैंने पार्टी की सेवा की है उसका मेवा इनकी बिटिया ने टेबल पर सजा दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। पार्टी का रुपया पानी की तरह बहाकर ट्रिक फोटोग्राफी की मदद से झूठ को सच साबित करने की कोशिश की गई है, लेकिन झूठ के तो पैर ही नहीं होते। पर मेरे कैमरे ने कुछ ऐसे सबूत हासिल किए हैं जो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी सच्चाई साबित होंगे। देखना चाहेंगे आप लोग? देखिए देखिए। अब जाहिर सी बात है कि पार्टी मेंबरों के लिए तय करना मुश्किल होगा कि इनमें से कौन सी तस्वीरें असली हैं और कौन सी नकली, क्योंकि तस्वीरें तो बेजुबान बेजान सी होती हैं, लेकिन मेरी तस्वीरों में जान भी है और जुबान भी, ये बोलती भी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या रिश्ता है उनका उन दो कौड़ी के टपोरियों से जो शहर के होटलों को लूटते हैं, या फिर क्या रिश्ता है उनका उस लड़के से जो शहर की गाड़ियों को चोरी करता है, और जिन दो लड़कों की खूबसूरत तस्वीरें हर पुलिस स्टेशन की शोभा बढ़ा रही हैं, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगी? क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? गायत्री देवी सिर्फ बोलती हैं, लेकिन मैं सिर्फ बोलता ही नहीं दिखाता भी हूं। इंस्पेक्टर राजेश, ये दोनों मैं इन्हें नहीं जानती, या यूं कहिए कि सबके सामने आप जानना नहीं चाहती। अच्छा ये बताइए कि जिस रात आप पर हमला हुआ था तब ये लड़का आपके घर में मौजूद था या नहीं? मौजूद था। दरअसल वो हमला नहीं था बल्कि जनता के जज्बात के साथ खिलवाड़ था, पब्लिक सिंपति बटोरने के लिए एक बहुत ही घटिया सा नाटक था। झूठ है ये सब। ये आदमी क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसे? दरअसल मैं अपनी मां से मिलने गया था। गायत्री देवी हमारी मां है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे मेरे कोई बच्चे नहीं है। जब मेरी कोई औलाद ही नहीं है तो मैं किसी की मां कैसे बन सकती हूँ? मां रहने दे भाई, ये औरत हमारी मां बनने के लायक नहीं है। तुम किसी की भी मां नहीं हो सकती। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मां नहीं हो सकती। ये सब मेरे खिलाफ सुदर्शन सिन्हा की चाल है जिनमें ये दोनों शामिल है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये तो क्या कह रही है मां? मां तेरे बच्चे हैं। मां 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 मां। गायत्री देवी जी, ये सब क्या है, सच्चाई क्या है? ये है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, मेरा मंगलसूत्र, और ये मेरे कोख से हुए मेरे मरे बेटे का डेथ सर्टिफिकेट। अगर मांग में सिंदूर भरना पाप है, अगर पत्नी बनकर कोख सजाना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूं। आप मुझे सजा ही नहीं सूली पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि जब मेरे भाग्य ने मुझे उजाड़ा था तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था। अरे ये तो कमाल की औरत निकली है? तुम्हारी गेंद सीधा पब्लिक के अंदर फेंक दी, क्या खेल खेला है?
अरे मुझे हैरत इस बात की है कि ये सर्टिफिकेट इसके पास आए कहां से? अरे ऐसे भोले सवाल मत कर सुदर्शन सिन्हा, तू जैसे अपने आप को राजनीति का बादशाह समझता है ना, वैसे राजनीति की रानी है रानी वो। तूने जैसे उसके जिंदा बच्चों को मरवाकर झूठा सर्टिफिकेट पेश किया था, उसे यकीन दिलाया था कि उसके मरे हुए बच्चे पैदा हुए थे, उसी तरह आज उसने पब्लिक को यकीन दिलाया कि वो भी कभी सुहागन थी। अरे ऐसा बोला ऐसा, ये इतिहास मत पढ़। अरे इतिहास तो अब अकाल हमारा लिखेगा जब उसे इस बात का पता चलेगा कि हमने नाकामयाबी की सीढ़ी पर पैर रखा है। भाई सुदर्शन सिन्हा जागो, अपना चक्र चलाओ, उसके चार भाइयों को किसी भी हालत में रिहा करना है। क्यों, अब तेरा बुखार उतरा या नहीं? माँ 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 माँ, अरे मैं रोक रहा था मगर नहीं, तू खींचते जा रहा था, खींचते जा रहा था इस सपने को। अरे इतना कचरा तो गैरों ने नहीं किया जितना तेरी मां ने किया। लाडले बनने चले थे, ये ले मुंह धो, इस सपने को अपनी आंख से मैल की तरह धो डाल। तू आइंदा या तो मेरे सामने मां का जिक्र कभी नहीं करेगा या मेरे सामने कभी नहीं आएगा। अरे तूने ही तो मां का भूत मेरे सर पे सवार किया है, भेजा खा गया मेरा। अपुन भी तेरे साथ मामा करके बहुत मीमिया है, जुबान का जायका खराब हो गया। अब तू भी सुन भोले, अपने दिल से निकाल कर फेंक दे ये मां से मिलने का सपना। सनी, ए भाई अपनी तरफ देख, मां ना मिलने का दुख मुझसे ज्यादा तो तुझे हो रहा है। लेकिन सनी अपनी मां अपने को मिलेगी, जरूर मिलेगी। बारूद से भी खतरनाक होता है ये मां शब्द का नाजायज इस्तेमाल। तुम्हारे झूठ ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया, न जाने कितने पुराने आंसू आज इन आंखों ने बहाए। मेरे बड़े हुए बेटों का मातम दोबारा मनाने पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हें भी तो किसी मां ने बड़ी ममता से जन्म दिया होगा। इस मां को दर्द देने का गुनाह क्या वो मां तुम्हें माफ कर देगी? तुम बच्चों की भी तो कोई मां होगी। होगी नहीं है, हमारी मां जिंदा है। मैं मानता हूं आप हमारी मां नहीं है, लेकिन एक पल के लिए हमें अपना बेटा समझकर हमें माफ कर दीजिए। मैं जानती थी तुम बुरे नहीं हो, गुमराह हो गए हो। सुदर्शन सिन्हा ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मां का वास्ता, फिर कभी किसी मां को दुख मत देना। मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोलो। और कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दीजिए कि हमें हमारी मां मिल जाए। इन बेटों को उस मां की जरूरत है। इंस्पेक्टर, इन दोनों को रिहा कर दो। भोले इतने परेशान क्यों हो? गायत्री देवी ने तुम्हारी मां बनने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इस बाप की गोद तो हाजिर है ना तुम्हारे लिए। नाजायज बाप बनने के शौक में कहीं तूने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया ना सिन्हा,
तो तेरी छाती के अंदर से तुझे तेरी पीठ दिखाई देगी। जबान को लगाम दो। लगाम तो फिलहाल हमारे हाथ पांव पे पड़े रहने दो। जब तक सिर्फ जुबान चल रही है तुम्हारी खैरियत है। हमें मोहरा बनाकर हमारा गलत इस्तेमाल किया, परवाह नहीं। लेकिन माँ के दर्जे का गलत इस्तेमाल करके जो दुख तुमने गायत्री देवी को पहुंचाया, दोबारा दोहराए तो कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। आइंदा मौका तो तब आएगा जब तेरी तकदीर में अगली सुबह लिखी होगी भोले। सुदर्शन सिन्हा से ऊंचे सुर में बात करके तूने अपने मुकद्दर पर काला पेंट पोत दिया। इन बाजारू लोगों का डर तुम मुझे दिखा रहे हो जो बाजू में फौलाद लिए फिरते हैं। कनपट्टी पर पिस्तौल ऐसे लग रही है जैसे कान में मक्खी आप बिन बिना रही हो। सिन्हा, एक बात कील की तरह अपने दिमाग में काट दो। अगर एक कदम भी गायत्री देवी की तरफ बढ़ाया तो दूसरा कदम जमीन पर रखने से पहले ही हवा में खाक दिया जाएगा। भले ही गायत्री देवी के बेटे की मौत हो चुकी हो लेकिन मेरे दिल में उनके लिए माँ का दर्जा पैदा हो चुका है। बाप तो फिर भी नाजायज निकलते हैं लेकिन माँ कभी नाजायज नहीं होती। तो मेरी माँ जैसी गायत्री देवी को अपनी गंदी सियासी चालबाजों से दूर रखना, वरना कहीं मेरा हाथ उठ गया तो रुकेगा तेरी आरती को शमशान की तरफ भेज करे। ये कमबख्त तो असली से भी ज्यादा सगा हो गया। इस सच्चाई को 24 साल तक कैद में रखा, उसका अचानक भोले को कैसे पता चल गया? ये तो सर पर नया खतरा कौन सा मोल लेकर आ रहा है? गायत्री देवी की औलादे। नहीं यार, नहीं नहीं, तुम्हारा ऊपर वाला मारा बिल्कुल खिसक गया है। गायत्री देवी की जिन औलादों को हमने मारा था उनका खतरा तुम्हें कितने साल 24 साल के बाद महसूस हो रहा है? मारने की जिम्मेदारी ना तेरी थी ना मेरी, ये जिम्मेदारी तेरे भाई को सौंपी थी। तो क्या कहना चाहता है तू? मेरे भाई ने जिम्मेदारी निभाई नहीं? इसका फैसला तेरे भाई से मिलने के बाद होगा। अरे अरे, कहां गया मेरा भाई? तेरी जुबान में बोलो भाई, तेरे दिल में क्या चल रहा है? यही ना कि जब तू अकेला था तो बड़ा सुखी था, आंखों में आंसुओं का सिस्टम ही नहीं था, और जब से मेरे चक्कर में पड़ा है तो दुख ही दुख है। देख भाई, जब रिश्ता जिंदगी में आता है तो सात आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर आता है। दूसरों से कितना सुख मिलता है भाई? सुख? बहुत सुख दिया है गायत्री देवी ने मुझे। अरे इतना सुख कि मैं छुपकर रोया था। गायत्री देवी, अरे जो औरत इतनी संदिल है जो दो बेकसूर मासूम बच्चों को पैदा करके फेंक सकती है और फिर कहती है कि बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, उससे ममता की उम्मीद? हम भले जिंदा हैं भाई, मगर वो रिश्ता 24 साल पहले मर चुका है। मर चुका है पर वो जिंदा है, इसीलिए अपन भी जिंदा है। सॉरी भाई, लगता है ये भी हमारी तरह किसी को। वाह, आवाज तो मर्दों जैसी निकाल लेते हो, पर तुम्हारी नामर्दानी के किस्से अब अखबारों में भी छपने लगे हैं। खलीफे समझते हैं अपने आप को शहर का, और तुम लोगों से एक औरत का शिकार नहीं हो पाया? न जाने औरत किस मिट्टी के बनी अकाल भाई। भाई मत बोल। नहीं भाई, नहीं, मत निकाल अपने मुंह से ये अल्फाज। खून खोल उठता है मेरा, खून खराबा कर गुजरने को दिल करता है। वहां चार चार मेरे भाई जेल में कैद हैं, वहां वो तड़प रहे हैं और यहां मैं छटपटा रहा हूं। इतना बेबस अकाल पहले कभी नहीं था। हम आपकी नाराजगी समझता है,
अकाल, गनीमत समझो कि तुम अभी मेरा गुस्सा नहीं जानते। जिस दिन मेरा दिमाग फिर गया ना, वो जो करोड़ों रुपया तुम लोगों ने मेरा हजम किया है, एक में हाथ डालकर अंतरिया समेत निकाल लूंगा। अकाल, सिर्फ एक रुकावट है, एक, और वो है गायत्री देवी। ये रुकावट हट जाए तो समझो तुम्हारे चारों भैया बाहर। यूं तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं सुदर्शन सिन्हा कि गायत्री देवी की मौत के बाद और मेरे भाइयों की रिहाई से पहले तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। वैसे भी तुम उस गद्दी पर बैठने के लिए कुछ जरूर से ज्यादा मचल रहे हो, पर मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने भाई चाहिए। वैसे मेरे आदमी ने अपनी रिवॉल्वर में गायत्री देवी के नाम की मौत भर ली है। तू भी अपन जैसा हो गया, सारा रिश्तों का एहसास मुझ में जगाकर खुद हार कर सो गया। चलो अपनी दुनिया में लौट चलते हैं, वहां ना कोई गम, ना कोई रिश्ते, ना कोई मां, सिर्फ सुख ही सुख ही सुख। और तेरी दुनिया में सिर्फ दुख दुख और दुख। दोबारा ध्यान से सुनो,
कल तुम्हें मुख्यमंत्री गायत्री देवी का कत्ल करना ही करना है। ये नहीं तुम्हारी पेश की बाकी काम खत्म होने पर। पीछे के रास्ते से क्यों आता है? सीएम साहिबा से मिलना है सर। हाँ चल पहले इधर बता क्यों मिलने का सीएम को। चल इधर बता। एक है साहब, सीएम साहिबा की जान खतरे में, मुझे ऊपर जाना है। पुलिस वाले, चल अपने को संभाल लेना। चल We'll be right back.
सीएम साहिबा, आप पर ये हमला किसने किया? ये तो पुलिस की छानबीन के बाद ही पता चलेगा। मैडम, कौन थे वो दो लोग जिन्होंने आपको बचाया? उनसे मुलाकात है, जान पहचान नहीं। कौन है वो दोनों ये मैं नहीं जानती, लेकिन किसी माँ ने बड़े नाज से उन बेटों को जना होगा। अगर कभी मैं मां बनती तो भगवान से ऐसे ही बेटों की कामना करती। गोरे! ओ गोरे! छोड़ो मेरे को, मैं जानता हूं इसको। अरे ये गौरी है, गौरे! छोड़ दो इसे। तुम्हें मेरा ये नाम कैसे मालूम? गौर से देख मुझे, वो खंडाला का हॉस्पिटल, दो बच्चे रोते हुए। उन बच्चों से मेरा क्या ताल्लुक? अरे मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे भाई जब्बार ने ये दोनों मेरी और सुदर्शन सिन्हा की जिंदगी की रुकावटें हैं, खत्म कर दो इन्हें। जुड़वा, हाँ पैदा भी किए तो दो पालतू, मगर इनकी शक्लें, तुम्हें इनकी शक्ल सूरत से क्या करना है? हैरे जितना बताया गया उतना करो, खत्म कर दो इन्हें। तो क्या वो मेरे बच्चे? हाँ वो बच्चे तेरे हैं। सनी और बोला तेरे बच्चे हैं गौरी, तूने जिंदा बच्चों को जन्म दिया था। मैं उन्हें मार नहीं पाया, अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पे छोड़ आया था। आज जिन्होंने तेरी जान बचाई वो तेरे ही बच्चे हैं। सुदर्शन सिन्हा और जब्बार ने मिलकर ये खेल रचा था, तेरे पिताजी का भी खून उन्होंने ही करवाया। मुझे माफ करना गौरी, मुझे माफ करना। मेरे बच्चे, भाई, ए भाई क्या हुआ? रिश्ते, रिश्ते कितने जरूरी हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन आज अपनी मां के कलेजे से लगने के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते कितने जरूरी होते हैं। मेरे भाई, हमें हमारी मां मिलेगी ना? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हम उसके बच्चे हैं, औलाद हैं हम उसकी। सनी, भोला, अपनी मां की आवाज सुन रहे हो ना? सनी, भोला, तुम मेरे बेटे हो। जल्दी से आकर अपने मां के सीने से लग जाओ। 24 साल की ममता का कर्ज मेरे सर पे है, अब मुझे वो चुकाना है। तुम्हारी मां बाहें फैलाए तुम दोनों का इंतजार कर रही है, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ एक्सपर्ट साहब? सीएम साहिबा किडनैप की जा चुकी है। क्या? और अगवा करने वालों की मांग है कि उनके चार गिरफ्तार साथियों को फौरन रिहा कर दिया जाए। ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? अब भगवान ही जाने साजिश के पीछे किसका हाथ है। सुदर्शन सिन्हा, सुदर्शन सिन्हा। सर, अब आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उन चार आतंकवादियों के बारे में आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है भाई, हमारी राजनीति में सबसे पहले देश आता है, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सजा मिलेगी, ये हमारा फैसला है। और गायत्री देवी, उन्हें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? गायत्री देवी गायत्री देवी जो है वो उन लोगों से मिली हुई है, और ये जो किडनैपिंग का नाटक है ये सब
उन्हीं का तो रचाया हुआ है। झूठ बोल रहा है वो। ये दो लफंगे गायत्री देवी की हर साजिश में शरीक हैं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ले, तेरे चक्कर में गिरफ्तार भी हो गए। हम गिरफ्तार नहीं हुए भाई, हमने गिरफ्तारी दी है। मतलब कल वो चार आतंकवादियों की अदालत में सुनवाई है और हमारी भी पेशी कल ही है। हमें किसी भी तरह उन चार आतंकवादियों को अगवा करना है। वो लोग खुद ब खुद हमें ढूंढने आएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे वाह, तू तो अपन की तरह सोचने लगा है भाई। भाई हो ना। जब्बार, पलट गया तुम्हारा वो सुदर्शन सिन्हा। हराम ज्यादा कहता कि मेरे भाइयों को अब नहीं छोड़ेगा, उन्हें फांसी पर चढ़ाएगा। अरे हाँ हाँ अकाल, पहले तो वो हमारे लिए खेल खेल रहा था। मंत्री है ना, राजनीति पॉलिटिक्स, लेकिन अब हमारे खिलाफ खेल खेल रहा है। अब आप बताइए आदमी किस पर भरोसा करे। लेकिन तुम मेरी एक बात पर भरोसा रखना, जिन भाइयों को बचाने के लिए मैंने करोड़ों रुपया बहाया, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं शहर में उतना ही खून बहा दूंगा और पहला खून का कतरा तुम्हारा होगा। जाओ जबार, जाओ मेरे भाइयों को लेकर आओ, कहीं मेरे कहर का तेजाब तुम लोगों पर न गिर पड़े। इंस्पेक्टर, किडनैपिंग आसान थी या मुश्किल? जैसा आपने हुक्म दिया था उतना ही आसान कर दिया उन दोनों के लिए। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब नहीं, मुख्यमंत्री जी कहो। अब देखना कितनी आसानी से वो चार अकाल के भाई और दो गायत्री देवी के बेटे वैन में लगे टाइम बम के धमाके से यूं उड़ जाएंगे। और उन चारों की खबर सुनते ही अकाल गायत्री देवी और जब्बार को भूतकाल बना देगा। वो भूतकाल और हम मुख्यमंत्री भविष्यकाल। अब क्या? लगता है हमारी मंजिल आ गई। बस अब चालाक हो हाँ? मेरे ही शिकार को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हो। खैर, मेरा काम तो तुमने आसान कर दिया। लाओ अकाल के चारों भाइयों को मेरे हवाले कर दो। लाओ अकाल के चारों भाई, तुझे मुबारक हो, हमें हमारी मां दे दे और उन चारों को तू ले ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे ये तो तेरी मां का ही लफड़ा है। अगर हम तुम्हें तुम्हारी मां दे दें
तो वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका वो, हाँ सुदर्शन सिन्हा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? अरे मैं इस देश का बादशाह कैसे बनूंगा? ए, तो बाजू हट हट, अबे हटना। नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता था कि इन चारों को बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा जो हमें हमारी माँ तक पहुंचाएगा। तो हमें इस लोहे की नली से डरा रहा है। ये नली क्या कर सकती है? इन दोनों को जरा नमूना दिखाओ। चार भाइयों को लेकर आया हूं। इनके चेहरे ढके हुए क्यों हैं? क्योंकि इनके सर पर मौत का साया है। ये क्या तमाशा है जब्बार? गायत्री देवी इसकी मां है अकाल, इसलिए इसलिए तुम्हारे भाइयों को इसने अपने कब्जे में कर लिया है। तेरे भाई तुझे मुबारक हो अकाल, लेकिन तू मेरे मां को मेरे हवाले कर दे। मुझे तो सिर्फ अपने भाई चाहिए बरखुरदार। मैं कोई नई पार्टी नहीं बना रहा हूं जिसके लिए मुझे गायत्री देवी की जरूरत है। तुम अपनी मां को ले जा सकते हो। अकाल, क्या जब्बार के इन चार आदमियों को तूने अपना भाई बना लिया? क्या मतलब? तुझे तेरे भाई ऐसे लगते हैं? मेरे भाई कहां है जब्बार? जो लगातार तेरे साथ गद्दारी करता आया है, फिर उसी से वही सवाल। मैंने तुझे कितनी बार जताया और आज साबित भी कर दिया, जब्बार ने गायत्री देवी के बेटों के साथ मिलकर तेरे भाइयों का क्या हश्र किया? क्या किया, क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं क्या किया। मैंने नहीं मारा इनको। इसने इसने मारा इनको। मार डालो इसको, मार डालो इसको। अब कत्लेआम होगा जिसे सारा शहर देखेगा, और वो तेरी कुर्बानी से शुरू होगा जब्बार।
मचा दे इस शहर में कत्लेआम, मैं भी तेरे साथ हूं। लेकिन तीन कुर्बानियों के बाद इसका भी एक भाई है, यह भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है जितना तू अपने भाइयों से करता था। वो भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। अपने भाइयों की मौत का हिसाब ले ले, पटक दे इसके आगे इसके भाई की लाश। तेरा भाई नहीं मिल जाता तू कोई होशियारी नहीं करेगा, वरना तेरी मां जो मेरे कब्जे में है उसे खत्म कर डालूंगा। कहां है तेरा भाई? कहां है? अच्छी गाने चल रही, माफ करना। इसे भी इसके मां के पास। हाँ
थैंक यू। मुन्ना ना ज्यादा होशियारी नहीं, शांति शांति। शराफत से अपनी माताजी को मेरे हवाले कर दो, वरना ये जॉनी तेरी और तेरे भाई की माशूका का क्या हशर करेगा, तू जानता है। आइए आइए भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, आइए। सुदर्शन सिन्हा, अगर मेरी मौत से तुम्हें फायदा है तो ठीक है, इन बच्चों को इधर भेज दो। ये तो दुनिया का बहुत पुराना उसूल है मुख्यमंत्री जी, इस हाथ दे उस हाथ ले।
तेरी तो तोता भी गाली देता। माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? देखिए हम दोनों जुड़े, हमारे बच्चे जुड़े, भोले के बच्चे बिल्कुल भोले पे गए हैं, राम और श्याम की तरह, और हमारी बच्चियाँ बिल्कुल हम पे गई हैं, सीता और गीता की तरह। लेकिन हम दोनों में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि मैं मेन आइटम हूँ और आप गिफ्ट। अच्छा, जैसे कोलगेट का बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट।